आगामी विधानसभा चुनाव में सीधे मुद्दे की बात शैलेन पाराशर के साथ सिर्फ IN7 न्यूज पर। नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। बुंदेलखंड की यात्रा, IN7 न्यूज की टीम इस वक्त खड़ी है टीकमगढ़ के विधानसभा क्षेत्र खरगापुर में, जहाँ पर हमारे साथ है कांग्रेस, बीजेपी और जनता के लोग भी यहाँ पर साथ में। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ विकास बोलता है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, पंचवर्षीय से क्या कुछ विकास है यहाँ पर। यहाँ पर चारों ओर रोड डले हुए हैं, जलन की व्यवस्था, जहाँ भारी सूखा पड़ा हुआ था हमारे विधायक जी की वजह से एक दिन छोड़ के डेली नल आए हुए हैं और सराहनीय काम। तो रोजगार के लिए कुछ युवा एक साथ ही हम आपसे आग्रह करेंगे, एक मिनट रहना चाहिए। रोजगार, कितना रोजगार है आपके पास? शिक्षा की स्थिति क्या है? कॉलेज नहीं सर, कॉलेज भी नहीं है। रोडों से पेट भर जाए? नहीं सर, रोडों से पेट नहीं भरेगा। जो हमारे विपक्ष में होते हुए भी हमारे विधायक के जो हाथ में था उन्होंने यहाँ किया है, विधायक जी के हाथ में रोड। तो विकास कैसा है, मतलब आप समुदाय भवन और तमाम जो मठों में कैसा सामाजिक किया, तो ये विकास हो रहा है कि सामाजिक राजनीति चल रही है? नहीं, ये विकास हो रहा है, क्योंकि कोई जातिवाद नहीं, जातिवाद नहीं है। इनकी विधायक निधि के द्वारा गरीबों के लिए निसहाय थे, उन्हों के लिए राहत राशि दी गई, उनके दुख सुख में शामिल रही। इनके कहीं कोई कमी हुई उसमें मैंने पहुंची, ना धूप देगी ना छाँव देगी, पूरा परिवार निरंतर एक भी दिन शेष नहीं रहा। विधानसभा जो सक्षम होता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। पिछले 25 साल बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा से क्या थी, केवल कांग्रेस को 5 साल ही आए हुए हैं। और कहने के लिए तो ये है कि कांग्रेस वाले ये बात कह सकते हैं, ये तो जब एजेंट वाली बात है। आम पब्लिक से पूछिए, ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि मेरे घर घर एजेंट है तो आप आम पब्लिक से पूछिए। आम पब्लिक भी पीछे खड़ी है, आप बताओ एक मिनट। ये क्या जैसा दे गया आप, क्या के लोग भी हैं कि बीजेपी को हार मिली और अभी का क्या स्थिति है, बीजेपी का क्या यहाँ पर बंधक है, या बीजेपी से क्या चीज, किसको अपना प्रतिनिधि चुना? बीजेपी को चुनेंगे भैया। यहाँ जो आप, चूँकि आपके परिवार से भी उम्मीदवार, हाँ बीजेपी से कम है, बीजेपी राजा को टिकट मिलेगा तो बीजेपी को वोट मिलेगा, इसके अलावा किसी को एक और उम्मीदवार है राहुल सिंह है उमा भारती से। अरे राहुल सिंह से पहले जो था पूछोगे, 5 साल में तो आए हैं, कितनी बार आया हो यहाँ? 3 दुकान के अलावा चौथी दुकान पे भी आए हैं कब? 3 लोग यहाँ चलता है। अगर बेबी राजा को बीजेपी से टिकट मिलता है तो क्षेत्रवासी बीजेपी के साथ है। कांग्रेस के होके भी समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बात क्या मान रहे हैं कि इससे संतुष्ट रहेंगे? कौन से ऐसे नेता को चुनेंगे जो आपके बीच रहते हैं? मान हमारे बीच तो है, जैसे जो गौ है चंद्र आदि कांग्रेस विधायक है, हाँ तो वे उनको मैजा सुवाल उनको ब्याह हो गए 500 दे जाते, कुल तीन हजार जाए, कुल भी 93 दे जाते, नाच दिए नक्का दिए। बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे किसानी, किसानी कर रहे हैं। हाँ, और किसानी में कैसा क्या लाभ मिल रहा? किसानी में कोई लाभ नहीं मिला, शुक्र राहत के थे। 500,000 से काम चल जाएगा? हाँ ठीक है, उन्हें दे दे उन्हें। नहीं, 500,000 2,000 से काम चलेगा कि ऐसे ही मक्कार होंगे कि रोजगार विकास भी करेंगे? मतलब जो आप बोल रहे हो कि 500,000 दे जाते हैं, नहीं तो मदद करते हैं जो, तो चुनाव में भी ऐसे ही होगा? चुनाव में नहीं होगी बे, तो भाई जो जिसका हालत उसकी खराब है, हाल के खाली नहीं होगा, देना होगा कहीं उसकी वो कहीं। हाँ कौन सरकार है? तो साफ तौर पर यहाँ की जनता और कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ, हालांकि बीजेपी के कम लोग मौजूद थे, कांग्रेस के हमारे साथ ज्यादा लोग थे, जनता थी जो बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन इन तमाम बातों के साथ विधानसभा खरगापुर की जनता, जहां बीजेपी प्रत्याशी को नकारते नजर आ रहे हैं और जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनकी उम्मीदवारी दावेदारी को स्वीकारते नजर आ रहे हैं, ऐसे में देखना यह होगा खरगापुर विधानसभा का चुनाव क्या बोलता है आगामी विधानसभा में, वो तो जनता ही बताएगी। IN7 न्यूज में बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप मेरे साथ, मुझे दीजिए इजाजत।
कैमरामैन सौरभ जैन के साथ सैलन पारस। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम करते हैं आपको खबरदार। सच जो कभी छुपाने, सच जो कभी सबसे सच्चाई तक हमें आपके साथ। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर, जिसका सीधा सरोकार आपसे। कस्बे तो शहर और सूबे की बात हम करते हैं सीधे आपके साथ। सच जो कभी झुका नहीं, सच जो कभी रुका नहीं, सच से सच्चाई तक हम हैं INC।